आजकल कोरियन स्किन केयर और उनकी स्किन काफी ट्रेंड में है जिसे देखो उसे ग्लास स्किन चाहिए क्या एज इंडियंस पॉसिबल है क्या तुम्हारी भी ऐसी स्किन हो सकती है लेट्स फाइंड आउट इन टूडेज हेलो दिस इज लक्ष्य ठाकुर एंड ये है द गब्रू लाइफ इंडियाज ओल्डेस्ट मेंस लाइफस्टाइल चैनल सिंपल सा गोल है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेंस फैशन एंड ग्रूमिंग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अब ये जो मैं नेक्स्ट पॉइंटर्स बताने वाला हूँ ना बड़े ध्यान से सुन लेना क्योंकि ये मेरे खुद के रिसर्च पॉइंट है एंड कोरियन मेन आर फॉलोइंग दिस टू गेट अ ग्लोइंग ग्लास स्किन स्किनियन स्किन केयर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया तो इनके जो टूल्स है हमें इनसे इंस्पिरेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है टू गेट अ ग्लास स्किन तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है इन्वेस्ट इन अ फेशियल क्लेंजर पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये वाला जो टूल है ना मैं चार पांच साल पहले भी यूज करता था ये आज का नई

एक और चीज जो अपनी स्किन से रिलेटेड नहीं करते हैं वो है पेशेंस दिखाना विद द दा प्रोडक्ट्स दैट वी यूज डे अब राजो टू रैम्बो की जर्नी करनी है तो भाई चेंजेस तो लाने पड़ेंगे ना यूजुअली जब हम स्किन केयर करते हैं ना तो बस हबड़ तबड़ होते है की बस जो भी है भाई पोत लो और भाग जाओ अपने काम पर अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हो जब हम खाने बैठते हैं तो हम तसली से बैठ तमीज से खाते हैं नहीं खाते हैं। सेम हमें अपनी स्किन के साथ करना है ये नहीं की बस

Uh huh? ट्रेडिशनल स्क्रबिंग जो आप अपने रेगुलर स्क्रब से करते हैं वो भी ठीक है लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली अबाउट ग्लास ग्लासकेर अब जो हम नॉर्मली स्क्रब्स यूज करते हैं उसके अंदर एप्रिकॉर्ड या फिर वॉलनट के पार्टिकल्स होते हैं जो अगर तुम्हारी बाई चांस सेंसिटिव स्किन है ना उसके ऊपर माइक्रोटियस कर देंगे हाँ, अगर नॉर्मल या फिर कोई और टाइप की स्किन है तो शायद ना करें बट ये सेंसिटिव स्किन में होता ही होता है अब एक्सपोलेशन तो छोड़ नहीं सकते इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू गेट अ ग्लास स्किन एंड तुम्हारे नॉर्मल स्किन केयर का भी तो इसमें तुम्हें ऐड करना पड़ेगा फेस एंड एसिड्स को एसिड समझ कर डर मत जा वाइटामिन सी एक ऐसा सिरम है जो इस चीज में हेल्प करता है एंड केमिकली तुम्हारी स्किन को एक्सपोलियर करता है एंड लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देने वाले हो ना वो तुम खुद ही मैं क्या बताऊँ इसमें मुझे पता है इसलिए totally इतने साल हो चुके मेन स्किन केयर कॉन्टेंट आते हुए तो अब इतनी तो है इंडियन मार्केट में उनको पता है की फेस वॉश क्या है फेस सिरम क्या है और किस तरीके से क्या यूज करना है लेकिन इन्हें कब यूज करना है क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए उससे पहले ये अभी भी एक मेजर डिफरेंस ले आते हैं ग्लास स्किन अचीव तुम्हें अपनी स्किन को प्रेप करना पड़ेगा एंड ये होता है एक दिन पहले तो पर तुम लोग एक फेस मास्क का यूज कर सकते हो नाइट बिफोर कोई सा भी हो मुल्तानी मिट्टी क्ले चार कोल एक वीक में इसको दो बार अपने फेस पर यूज कर लो नाइट में एंड तुम्हें अगले दिन जो टाइटन और फॉर्म ऐसी स्किन देखने को मिलेगी ना वो हेल्प करेगी अचीव करने में तुम्हारी ग्लास स्किन इन द नेक्स्ट प्रोसीजर अब दो ब्रांड्स मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा एक है इनस्त्री और एक है द फेस शॉप अब ये दोनों ही कोरियन ब्रांड्स से हाँ थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे आ जाए

जो अभी चल है इंडिया में। तो अगर एक हेल्दी और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्किन चाहिए जो इंटैक्ट रहे सारे लिए थे डिपेंड्स ऑन दिस थिंग अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना टू तो दैनल बिल्कुल भी मत भूलना तुम लोगों से मिल हुआ